अढ़ाई से 3 महीने के बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था। एंड फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब का आता है तो वही $100 जो आपका मिनिमम रहता है। इससे यही बोलना चाहूंगा जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स है, तो कॉलेज में जाने के बाद यार कॉलेज स्टडी तो ठीक है, अगर जो आपका सिर्फ एक एक एम है ना कि मेरे को सिर्फ प्लेसमेंट लेना है, तो प्लेसमेंट वो कॉलेज के लास्ट लास्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर से भी आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको बहुत ही यानी कि कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है ना वो भी आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में आप जाते हो ना, तो फर्स्ट ईयर में अपने आप को जितना ज्यादा एक्सप्लोर करने पर टाइम इन्वेस्ट करो, है ना। कॉलेज सिर्फ जाओ, कॉलेज में स्टडी करो, बस वही था कॉलेज लाइफ। हेलो, वेलकम सोनू सर टू माय पॉडकास्ट। तो आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ, आप अपना बताओ, आप कैसे हो? मेरा भी बढ़िया है। इनका इंट्रोडक्शन का ये कोई मोहताज नहीं है। इनका भी यूट्यूब पे एक वीडियो चैनल भी है जिसपे 55K फॉलोअर्स हैं। सो सर, आप एक बार अपना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देते मेरे छोटे से ऑडियंस को तो अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने चैनल पे मेरे को इनवाइट किए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं सोनू सिंह, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा खुद के नेम से, सोनू सिंह के नेम से ही। तो मैंने अभी जस्ट करेंटली इस साल बीटेक फाइनल कंप्लीट मेरा हो चुका है, इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने यूट्यूब चैनल अपना फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट किया था। या इसके साथ साथ मैं अभी जस्ट बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं फुल डेडिकेटली अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वर्क कर रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ और भी मल्टीपल थिंग्स को लर्न करना, एंड इसी तरीके से अभी जर्नी आगे बढ़ रही है। तो आप बीटेक का किस कॉलेज से कंप्लीट किए थे? मैं वेलटेक यूनिवर्सिटी चेन्नई का एक कॉलेज है, चेन्नई का वन ऑफ द टॉप कॉलेज में नेम आता है वेलटेक यूनिवर्सिटी चेन्नई। मैंने बीटेक 2019-23 ईयर वेलटेक यूनिवर्सिटी से मैंने करा है। तो स्टार्टिंग में उतना पता नहीं था एक्चुअली, मैंने जेईई का एग्जाम दिया था है ना, 11th 12th के साथ साथ जेईई का प्रिपरेशन मैंने किया था पटना में रह करके। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छा नहीं हो पाया, देन आफ्टर मैंने 1 साल के लिए ड्रॉप लिया था। उसके बाद एज ए ड्रॉप ईयर मैंने कोटा गया, कोटा में रेजिडेंस इंस्टीट्यूट से, वहां से मैंने प्रिपरेशन किया था एज ए ड्रॉपर। तो उसमें भी उतना अच्छा रैंक नहीं हो पाया है जितना अच्छे मेरे को अच्छे से एनआईटी मिल पाता। एंड लेकिन जेईई के साथ साथ सभी लगभग जेईई एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि एज ए ऑप्शन, एज ए बैकअप ऑप्शन और भी कोई अदर जो है इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन अप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करते हैं। तो मैंने भी जेईई के साथ साथ WBJEE का एग्जाम दिया हुआ था, तो जेईई में तो उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन WBJEE के एग्जाम में मेरा 34,000 रैंक आया था, जिसके बेसिस पे मेरे को WBJEE के अंडर भी मतलब टॉप के जो 5 कॉलेजेज है ना WBJEE के अंडर में, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन हो जा रहे थे। लेकिन फिर मैंने जब काउंसलर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि अगर जो एनआईटी में नहीं हो पा रहा है तो WBJEE के एग्जाम्स के बेसिस पे जो आपको कॉलेज मिल रहा है, रैंक के बेसिस पे जो कॉलेज मिल रहा है वो उतने अच्छे नहीं है। साउथ इंडिया का एक वन ऑफ द टॉप कॉलेज में नेम आता है जिसका NIRF रैंकिंग उसका मेरे कॉलेज का वेलटेक यूनिवर्सिटी का 84 था। तो उसने बताया कि तुम अगर जो देखोगे तो NIT कॉलेज भी 150-160 NIRF रैंकिंग तक देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल प्लेसमेंट ये सभी बहुत ही बढ़िया है, तो वेलटेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ओवरऑल प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। साउथ इंडिया में ऐसा है कि चेन्नई, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ तो पूरा IT हब है, कंपनी भर भर के पड़ी है, प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उधर जाओगे तो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल भी, उधर का पर्सनैलिटी अलग अच्छा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने फिर ओवरऑल फाइनली तो जब आप नॉर्थ साइड से हैं और साउथ साइड में आए बीटेक करने के लिए, तो आपको क्या-क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा था? ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है एक्चुअली। होता बस यही है कि नॉर्थ इंडिया से जो स्टूडेंट साउथ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि पूरा फुल्ली आपको इंग्लिश में लेक्चर्स हो रहे होते हैं, पूरा कॉलेज के अंदर इंग्लिश में ही बात करना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड से एग्जाम पास करते हैं यानी कि स्टेट बोर्ड का रहते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है मतलब बीटेक जैसे एडमिशन लेता तो स्टार्टिंग का 1 मंथ 2 मंथ, लेकिन उसके बाद फिर अपने आप फिर इंग्लिश स्पीकिंग मतलब निकलने लगता है, इंग्लिश ये सब लर्न हो जाता है। तो ऐसा कुछ उतना प्रॉब्लम तो नहीं, बाकी खाने पीने का थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उधर का यानी कि साउथ इंडिया के कॉलेजेज में ये भी रहता है कि नॉर्थ इंडियन के लिए अलग से मेस भी अवेलेबल रहता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, जहां से जहां तक बेनिफिट ही होता है। क्या आप अपना YouTube जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि किससे आप इंस्पायर हुए हैं? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने जैसा कि बताया फर्स्ट ईयर बीटेक मैंने फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया था 2019 में। तो मेरे को एक्चुअली बात करना इस तरीके से किसी भी लोगों से बात करना, कन्वर्सेशन करना
मेरा जो पर्सनल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर करना मेरे को, जब मैं 9th 10th में था ना, तभी से मेरे को बात करना बहुत ही अच्छा लगता था। और जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे क्लास के टीचर वो भी बहुत ही मोटिवेट करते थे कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बोल लेते हो, है ना। तो मेरे को वहीं से कहीं ना कहीं एक ना अंदर ही आ गया था कि यार मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे को आता है, वो मैं दूसरे लोगों के साथ भी वो नॉलेज शेयर कर सकूं। लेकिन क्लास 9th में 10th में 11th में होते हैं तो हम लोग के पास तो सबसे बड़ा प्रेशर यही रहता है कि हम लोग बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा हमारा सीजीपीए, अच्छा हमारा परसेंटेज है, अच्छा ओवरऑल सीजीपीए है ना। उसके साथ साथ क्लास 11 12 के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो ओवरऑल जो भी स्टूडेंट साइंस से करते हैं तो उनका एक ही सपना रहता है कि हमें मैथ से कर रहे हैं तो हमें इंजीनियरिंग इनकी बीटेक करें, जेईई मेंस की एग्जाम को क्रैक करके एक IIT एंड NIT से हम बीटेक कर पाए। परसेंटेज तो क्लास 11 12 में था तब तो जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन किया, लेकिन जैसे ही कॉलेज में एडमिशन हुआ उसके बाद फिर कॉलेज में एक्चुअली उतना प्रेशर नहीं रहता, उतना स्टडी ये सब के लिए मतलब ठीक है। आपको अगर जो रिसर्च में आगे जाना है या तो फिर पूरा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नॉलेज ज्यादा डीपली गेन करना है तब तो ठीक है स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन कॉलेज में अगर जो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो ना, तो प्लेसमेंट के फर्स्ट ईयर से उतना नहीं रहता कि आप पूरा दिन रात जिस तरीके से जीनियस का प्रिपरेशन करते हैं, जो एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं, 8 8 घंटे 10 10 10 10 घंटे हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, तो कॉलेज में ऐसा कोई बर्डन नहीं रहता है। 8 8 घंटे 10 10 घंटे नहीं स्टडी करना पड़ता है। कॉलेज आओ, कॉलेज में अगर जो अच्छे से आपने क्लासरूम में अच्छे से ध्यान दे दिया, उसके बाद फिर स्टडी करना ही नहीं रहता है। उसके बाद फिर कॉलेज के बाद फिर अपना जो भी कुछ अपना हॉबी है, पर्सनल इंटरेस्ट है, जिस भी चीजों में, वो अपना स्किल सीखो, उसमें ज्यादा अपना टाइम को इन्वेस्ट करो। तो मैंने भी वही किया। एंड इसके साथ साथ सबसे बिगेस्ट थिंग ये हुआ कि मैंने 2019 में एडमिशन लिया था, एंड फर्स्ट ईयर का जैसे 2 3 मंथ कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर जस्ट फिर होली के टाइम में COVID-19 का सिचुएशन आ गया। आप सभी को पता ही है कि कोरोना ऐसा का सिचुएशन आ गया, सारे कॉलेजेस ऑफलाइन कंप्लीटली एकदम से क्लोज हो गए, एंड सारी जो क्लासेस है ऑनलाइन चलने लगी। तो ऑनलाइन मैं फिर फाइनली होम चला गया, अपना होम टाउन से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता था। उसके बाद फिर पूरा टाइम बचा हुआ ही रहता था, तो उसी टाइम में मैंने अपना जस्ट जो है ये सोचा हुआ था कि मेरे को मतलब यूट्यूब चैनल तो क्रिएट करना ही है और मेरे को अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2019 में ही स्टार्ट किया था, एंड वहीं से मेरा फाइनली यूट्यूब चैनल का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम जो है जैसे धीरे धीरे जो भी मैंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया था तो जेईई मेंस के बारे में ही बताना स्टार्ट किया था, एंड अभी देख सकते हो कि फाइनली 3 से 4 साल में, बस वही है कि यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी आपको वो तो खैर हर फील्ड में होता है, चाहे आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आप जब कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो मैं कॉलेज में उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि कॉलेज स्टडी कोई बैलेंस करना हो गया, इसके साथ साथ और बहुत सारे स्किल सीखना पड़ता था, तो कॉलेज में उतना ज्यादा नहीं। लेकिन फाइनली जैसे मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे ज्यादा फोकस हो पाया, एंड अभी मेरा 54,000 सब्सक्राइबर है। तो इस तरीके से मेरा अभी तक का यूट्यूब जर्नी रहा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप नॉर्थ साइड से हैं, आप अपने यूट्यूब पे ज्यादा हिंदी कंटेंट डालते हैं, तो क्या आपके कॉलेज के स्टूडेंट लोग आपको सपोर्ट किए थे उस समय जब आप यूट्यूब चैनल न्यू न्यू ज्वाइन किए थे? एक्चुअली जो साउथ इंडिया के स्टूडेंट थे तो उनको तो हिंदी उतना आता नहीं है। अगर जो 100 स्टूडेंट है तो 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स में से मुश्किल से 4 5 स्टूडेंट्स ही हिंदी बोल पाते हैं। तो साउथ इंडिया के स्टूडेंट तो उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे। साउथ इंडिया के स्टूडेंट उतना ज्यादा मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है भी नहीं। मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी ऑडियंस है, वो नॉर्थ इंडिया ही है जो कि हिंदी जानते हैं। मैं हिंदी लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज सब उतना खैर मैटर नहीं करता है, बस आप जिस टॉपिक पे वीडियोज बनाना चाहते हो, है ना। आप अगर जो साउथ इंडिया से रिलेटेड मतलब इंग्लिश में नहीं बनाना चाहते, इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो, इंग्लिश में कंटेंट नहीं बना पा रहे हो, तो उससे रिलेटेड साउथ इंडिया के जो लोग होंगे वहाँ के लोग अपने लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में यूट्यूब चैनल खोल करके अपना नॉलेज यहाँ शेयर कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि सपोर्ट तो खैर जिस जिस फील्ड से रिलेटेड आप नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करोगे, अपना कंटेंट प्रोवाइड करोगे, वो लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे। जिसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपका कंटेंट, कि आप क्या बता रहे हो, क्या समझा रहे हो, बस लोगों को हाँ ये रहता था कि हाँ कुछ अच्छा कर रहा है, मतलब कि अपने ही लैंग्वेज में बोल रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स को अपने जूनियर्स को हेल्प कर रहा है, इसका यूट्यूब चैनल है, तो बस बहुत ही अच्छा बोलते थे कि हाँ तुम आगे बहुत ही ज्यादा ग्रो करोगे। तो इस तरीके से साउथ इंडिया के जितने भी फ्रेंड थे वो लोग भी सपोर्ट करते ही थे। अच्छा, मतलब सब सपोर्ट करते थे कॉलेज वाले भी। तो एक क्वेश्चन है, आपका पहला पेमेंट यूट्यूब से कब और कितना आया था? YouTube चैनल मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जैसे मैंने बताया उतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो उस टाइम उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो पाया था। लेकिन लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया था, एंड 1.5 महीने के बाद जब मोनेटाइज हो पाया तो यूट्यूब का ये रहता है कि एटलीस्ट जब $10 कम्प्लीट होता है उसके बाद फिर यूट्यूब की तरफ से गूगल एडसेंस पिन रिसीव होता है, जो कि आपके जो परमानेंट जो एड्रेस दिए हुए रहते हैं वहाँ पे गूगल एडसेंस पिन मेरे को मिला है। उसके बाद फिर लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली यूपी का एक एग्जाम है जो कि UPSEE जो कि इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम है, तो उस एग्जाम के बारे में एंड यूट्यूब का एक बड़ा सबसे बड़ा सीक्रेट मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो यूट्यूब का है ना कि मतलब आपका जितना माइक्रो नीश रहेगा ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा। लेट सी, कोई स्टूडेंट अगर जो जेईई मेंस के बारे में, अगर जो पूरा खाली जेईई मेंस के बारे में कंटेंट दे रहा है ना, तो उसका ज्यादा है कि जेईई मेंस से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो जितना ज्यादा से ज्यादा जेईई मेंस के बारे में बताएगा तो उससे रिलेटेड ऑडियंस जो सब्सक्राइब करते जाएंगे,
करेंगे, ज्यादा इंगेजमेंट रहेगा। लेकिन ऐसा है कि आज बता रहे हो कोई जेएमसी एग्जाम्स के बारे में, कोई कभी नीट के बारे में बना दे रहे हो वीडियो, कभी कॉलेज लाइफ के बारे में, तो कभी कुछ के बारे में। तो इससे क्या होता है कि ऑडियंस डाइवर्सिफाई हो जाता है, यानी कि जेएमएस वाले के लिए बनाओगे तो सिर्फ जेएमएस वाले ही देखेंगे, नीट के लिए बनाओगे तो सिर्फ नीट के लिए देखेंगे। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक रहो, तो इसलिए उस टाइम मैंने जितना ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्स पे फोकस किया था, एंड उसी के चलते ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हुए, सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो गया एंड मेरा चैनल भी मोनिटाइज हो गया था, एंड व्यूज ये सब भी अच्छा खासा उस टाइम आ रहा था। तो मेरा फर्स्ट जो पेमेंट आया था ना, मेरा लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था। एंड फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब का आता है तो वही $100 जब आपका मिनिमम रहता है, कि $100 जब आपका कंप्लीट होता है तभी फर्स्ट पेमेंट आता है। तो मेरा वही $100 इन द सेंस उस टाइम लगभग वही $100 का प्राइस 82-83 रुपये चल रहे थे। तो लगभग वही 8.5 हज़ार के लगभग मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आया था। अभी आपका YouTube का पेमेंट कितना है, अप्रोक्स बता सकते हैं तो? अभी एक्चुअली YouTube का देखो पेमेंट जो YouTube का जो पेमेंट ये सब डिपेंड करता है ना, वो आपके YouTube के व्यूज पे डिपेंड करता है, सब्सक्राइबर पे डिपेंड नहीं करता है। ऑब्वियसली बात है कि सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी कि आपका जितना ज्यादा सब्सक्राइबर रहेगा उतना ही ज्यादा चांस रहेगा कि जैसे आप वीडियो अपलोड करोगे वैसे उतना ज्यादा व्यूज आएगा, एंड उसी के बेसिस व्यूज के बेसिस पे आपका अर्निंग होता है, डॉलर आपका बनता है। तो अभी मेरा ऐसा रहता है कि किसी किसी मंथ मतलब कि $100 कंप्लीट हो जाता है, किसी किसी मंथ ऐसा भी होता है कि 2 महीने के बाद $100 कंप्लीट होता है। लेकिन यूट्यूब के अलावा मतलब बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है, यूट्यूब से तो मतलब ना के बराबर आता है, लेकिन यूट्यूब के अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो उसके थ्रू आता है। लेकिन यूट्यूब की अगर बात करो पर्टिकुलरली, तो मान सकते हो कि एवरेज 10,000 पर मंथ आ जाता है यूट्यूब से अभी करेंट। अभी आप जैसे बताएं कि आपका बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप थोड़ा उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें कि कहाँ कहाँ से आपका और इनकम आता है। सो एक्चुअली देखो यूट्यूब पे जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया पे आप वर्क करते हो, तो एक बार ऑडियंस अगर जो वो बन गया ना, तो फिर ऑडियंस को सबसे पहले होता है कि ट्रस्ट दिलवाना, कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, जिस भी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड आप पे वो ऑडियंस ट्रस्ट करे कि हाँ ये जो बंदा बता रहा है वो सही बता रहा है ना। तो वो ऑडियंस जब एक बार आपको ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर उसी ऑडियंस को चाहिए होता है कि आप अपना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करो, या फिर आप किसी और दूसरे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके उस कंपनी को हेल्प कर सकते हो, ताकि उसके द्वारा जो है आपको इंसेंटिव मिल रहा होता है। तो मेरा जब चैनल 5 जब आई थिंक 5,000-6,000 जब मेरा कंप्लीट हुआ था ना, ये बात है 2000 आई थिंक 2020 का। तो जब मेरा 2020 में आई थिंक 5,000-6,000 कंप्लीट हो गया था, उसी टाइम मेरे को अर्न अकेडमी ने कॉन्टेक्ट किया था। तो अर्न अकेडमी से मैंने कोलाबोरेशन किया, अर्न अकेडमी पे मैं एज एजुकेटर हायर हुआ, वहाँ पे स्ट्रेटजी गाइडेंस एंड जो मैं अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करता था, तो उनपे एज ए इन्फ्लुएंसर मेरे को मिसलेक्ट किया गया। तो मैं अर्न अकेडमी के साथ जो उनके प्रमोशनल वीडियो बनाता हूँ है ना, तो उससे मेरे को एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। उसके साथ साथ अर्न अकेडमी के बाद फिर मेरे को हाल फिलहाल लगभग आज से 6 महीना पहले फिर फिजिक्स वाला ने कॉन्टेक्ट करा था, तो फिजिक्स वाला के साथ मैंने काम किया, अर्न अकेडमी के साथ साथ काम किया। के साथ साथ पिछले इस साल रिलेटेड जब मैं वीडियो बना रहा था, तो इस साल अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था। उसके बाद फिर बहुत सारे मल्टीपल कॉलेजेस वाले जैसे कॉन्टेक्ट किए, जैसे कि एलपी हो गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया है ना, क्वांटम यूनिवर्सिटी हो गया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अपने कॉलेज के बारे में वीडियो जैसे बनवाते हैं। तो ये सबसे रिलेटेड मतलब इसके साथ साथ अफिलिएट एक होता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे कि मैं जितना भी गैजेट्स मैंने अभी तक परचेस किया है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया है ना, मैं पेन ड्राइव हो गया, फोन हो गया, तो इन सभी चीजों का लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में डालते हो। तो इन सभी लिंक को ओपन करके जो लोग फाइनली अपने कोई भी प्रोडक्ट को अगर जो परचेस करते हैं ना, तो उसका कुछ परसेंटेज जो है आपको इंसेंटिव मिलता है। तो इस तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग हो गया। इसके साथ साथ फिर मैंने इस साल क्या है कि जोसा काउंसलिंग, जब जोसा काउंसलिंग होता है तो उसमें क्या होता है कि काउंसलिंग के लिए गाइडेंस के लिए स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को बताते हो कि आपका इतना रैंक है, आपको इतने रैंक के बेसिस पे इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, एंड इसके बेसिस पे ये कॉलेज आपको मिलेंगे। तो मैं आपको इस तरीके से चॉइस फिलिंग करके दूंगा, ताकि आपके रैंक के बेसिस पे जो सबसे टॉप से टॉप कॉलेज है, टॉप से टॉप IIT यानी कि जो एडवांस आपने क्रैक किया हुआ है तो आपको टॉप IIT मिले। जेमिस ओनली क्रैक किया हुआ है तो उसके बेसिस पे आपको NIT मिले। तो इस काउंसलिंग मैंने अपना लॉन्च किया था, तो उस काउंसलिंग के थ्रू अच्छा खासा मेरा इनकम हुआ। तो इस तरीके से बात करूं तो मेरा एक सबसे पहले तो खैर यूट्यूब का जो एडसेंस के थ्रू आता है, यूट्यूब एडसेंस हो गया, इसके साथ साथ फिजिक्स वाला अन अकेडमी हो गया, इसके साथ साथ बहुत सारे कॉलेजेस जैसे ही काउंसलिंग सब स्टार्ट होता है कॉलेजेस की तरफ से हो गया, इसके साथ साथ अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, इसके साथ साथ कुछ अपना अगर जो प्रोडक्ट कुछ अपना काउंसलिंग लॉन्च करते हो, तो इस तरीके से 4 से 5 अभी करेंट की बात करूँ तो 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम अभी है। बाकी थैंक यू, मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप लोग अगर ऑडियंस लोग को लगता है कि और क्वेश्चन पूछना चाहिए था वो आप कमेंट में डाल दो, सर से हम फिर से अगर फिर से मौका मिला तो वो सारा क्वेश्चन और आपका नाम इस वीडियो में लूंगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल पे आए, अपना कीमती वक्त जाया किए, मेरे और मेरे छोटे से यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा ये सब सारा नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करके। एंड ये मेरा आई थिंक सेकेंड इंटरव्यू इस तरीके से था, तो आई होप आपके ऑडियंस को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। सो थैंक।